देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारी केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची नेताजी सेवा संस्थान में, जहां रोजगार से संबंधित हर तरीके की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यहां मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं, जो कि मांडर में ब्लॉक से आगे स्थित है। तो वही टीम ने यहाँ के केंद्र के डायरेक्टर से बातचीत की और जाना कि यहाँ किस तरीके की कोर्स करवाई जाती है। देखिए क्या कुछ कहा इन्होंने इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग एक ऐसे जगह पर हैं जहां पर हर तरह की शिक्षा दी जाती है रोजगार से संबंधित। हम लोग मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के का जो काम कर रहे हैं, नेताजी सेवा संस्थान जो मांडर में है ब्लॉक से आगे, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ के जो सेंटर के डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे कि नेताजी सेवा संस्थान जो है और मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत क्या क्या कोर्स कराई जाए, क्या क्या कोर्स कराई जाए। नमस्कार सर, हमारे यहाँ बेसिकली जो भी कोर्स हो रहे हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो रहे हैं। हमारे यहाँ फैशन डिजाइनिंग का बहुत अच्छा एक अपैरल सेक्टर का कोर्स हो रहा है। दूसरा हमारे यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर का जीडीए हो रहा है, जो कि आने वाले दिनों के लिए या पिछले जो कोरोना हुआ उस टाइम पीरियड में जो हेल्थ केयर सेक्टर पे स्कार्सिटी हुआ उसको देखते हुए जीडीए का कोर्स कराया जा रहा है। थर्ड हमारे यहाँ सैम्पलिंग टेलर का कोर्स कराया जा रहा है। हमारे यहाँ नेक्स्ट जो कोर्स कराया जा रहा है फील्ड टेक्नीशियन का कोर्स कराया जा रहा है, उन लड़कों उन युवाओं के लिए है जो कि पढ़े लिखे मैट्रिक इंटर हैं और उनको फील्ड टेक्नीशियन के तौर पे अगर रोजगार चाहिए तो यहाँ आए ट्रेनिंग करें और उनको हम लोग प्लेसमेंट देने का 100% कोशिश करते हैं। हमारा जो एक और कोर्स है इस सेक्टर में, इस एरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो कि है कॉस्मोलॉजिस्ट। ये बहुत ही बड़ा कोर्स है जो कि ब्यूटिशियन सेक्टर, ब्यूटी एंड विलेज सेक्टर का कोर्स है। बहुत ही प्रभावशाली कोर्स है। इसको करने के बाद हमारे यहाँ से बच्चे जो है प्लेसमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। हम लोग उनके लिए शुभकामना देते हैं कि हम जल्द से जल्द ट्रेनिंग करें। जो कोर्स करा रहे कितने महीने का कोर्स है, किसी में 4 महीना, किसी में 5 महीना, 3 महीना? ये जो ट्रेनिंग है उनका एक एसओपी बना हुआ है जिसपे ये ट्रेनिंग बैच जो है आवर पे डिपेंड करता है। हमारा जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है वो लगभग 640 घंटे का कोर्स है। ठीक उसी तरह हमारा जो जीडीए का कोर्स है 820 घंटे का कोर्स है। डेली 8 घंटे का उनका थ्योरी प्रैक्टिकल चलता है। ऐसे होते हैं उनका जो है कोर्स का 4 महीने 6 महीना यहाँ रह के ट्रेनिंग करना पड़ता है। अगर हम बात करें ये संस्था जो नेताजी सेवा संस्थान है, ये कब से चालू किया? अभी फिलहाल हम लोग मार्च में यहाँ स्टार्ट किए हैं। मार्च में विधिवत तरीके से यहाँ मार्च में हम लोग स्टार्ट किए हैं और इस एरिया के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो है बच्चों को रोजगार में लाने का कोशिश करें। चलिए, अभी तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किए हैं? हमारे यहाँ अभी 16 बैच चल रहे हैं। 16 बैच हमारे यहाँ रेडी हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ कम से कम 20 बैच जो है हम लोग चला पाए। 20 बैच और चला पाए। तो अभी तक कोई यहाँ से पढ़ाई करके या प्रशिक्षित लेकर जॉब में गए? हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा। अभी ट्रेनिंग आवर पूरा नहीं हो पाया है। जैसे ही ट्रेनिंग आवर खत्म होता है हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास देखिए प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे कंपनियों के साथ में हमारा टाई अप किया हुआ है। बस बच्चे प्लेसमेंट हो जाए, असेसमेंट होने के बाद हम लोग तुरंत जो है 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे और जल्द ही इसका प्लेसमेंट ट्राइब का ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या ट्रेनिंग देते हैं? सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे को जो प्रशिक्षित कर रहे हैं कैसा लग रहा है? बच्चे में कैसा उत्साह? बच्चे में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। यहाँ पे आने के बाद वो लोग जाना नहीं चाहती हैं। अच्छा। सिलाई करने के बाद या फिर सीखने के बाद उन लोग को इतना इंटरेस्ट रहता है, यहाँ से जाना नहीं चाहते रहते। यहाँ पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि रहना, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह स्टे करने के लिए है, उसके बाद रहना खाना फ्री है, फिर सिलाई के लिए जो भी सामान वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसलिए बच्चे जाना नहीं। कैसा लग रहा है आपको ये संस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर किस चीज की ट्रेनिंग? मैं कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेनर हूँ। हाँ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ कॉस्मेटोलॉजी यानी ब्यूटिशियन के बारे में। 1 बैच में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं। किसी को अभी तक प्रशिक्षित किए हैं? जी, अभी तो क्लासेस चल रहा है, बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ था। तो
तो अभी सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, उनको बहुत मतलब सारे एनर्जेटिक हैं और उनको सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, हर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बहुत इंटरेस्टेड है। वो लोग कहते हैं कि हमें अभी और भी सीखना है, और भी जी सीखने के लायक बच्चे सीखने की इच्छा रखते हैं यहाँ पर। हाँ सर, सबको मतलब सीखने में बहुत ही रुचि दिखाते हैं, मन लगा करके पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना क्लास रेगुलर करते हैं। क्या लगता है ये लोग जो बच्चे यहाँ सीख रहे हैं इससे नेताजी सेवा संस्थान को आगे लेके जाएंगे बच्चे? हाँ सर, एकदम आगे लेकर के जाएंगे, लेके जाएंगे। हाँ सर, आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? फैशन डिजाइनिंग के ट्रेनर हूँ। फैशन डिजाइनिंग के ट्रेनर है। चलिए, कितने बच्चे हैं आपके बैच में? सर एक बैच में तो 30 बच्चे होते हैं, मेरा तो फर्स्ट बैच है तो उसमें 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं सर। क्या है उत्साह बच्चों में? सर एक तो फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे आसपास कहीं पे है नहीं, खासकर मांडर एरिया में, तो क्या है ना कि जब भी सुनते हैं कि फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे हो रहा है तो बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत रुचि दिखाते हैं सीखने के लिए। बहुत रुचि दिखाते। आप भी ट्रेनिंग देती हैं? यस सर। किस चीज का? कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी का। चलिए, यहाँ पर नेताजी सेवा संस्थान में सभी प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे सैंपलिंग टेलर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, तमाम तरह के कोर्स कराए जाते हैं और एक बैच में 30 बच्चे रहते हैं और 300 बच्चे को प्रशिक्षित करके रोजगार की ओर भी इन्हें लेकर जाने की इच्छा है और इनकी वो काम चल रहा है कि यहाँ के सारे बच्चे को रोजगार मिले, क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चे को रोजगार मिलेगा तो संस्था का नाम आगे होगा। और एक इसलिए मांडर क्षेत्र के तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे हम लोग जो जिन्हों जो केलांचल टाइम्स को देखते हैं, इस बार एक बार जरूर नेताजी सेवा संस्थान में आए और अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।